All right, good morning students. Today we are going to revise third chapter of business studies, which is private, public and global enterprises. So if business can be run both in private as well as in public sector. Private sector mein koi bhi apna business setup karna chahta hai, so it can be organized in different ways like sole proprietorship, partnership, joint stock company, cooperative society or joint Hindu family business. But public sector mein agar, yani ki government sector mein, government economic activities mein interfere karna chahti hai, in other words business setup karna chahti hai, to us case mein ye ways of organizing business are not feasible or not there for the public sector. तो पब्लिक सेक्टर जब बिजनेस ऑर्गेनाइज करेगी वो अपने एंटरप्राइजेस जो है अपनी फर्म्स जो है किस तरह से ऑर्गेनाइज कर सकती है. देयर आर थ्री डिफरेंट वेज इन विच गवर्नमेंट कैन ऑर्गेनाइज देयर एंटरप्राइजेस. दीज आर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स एंड गवर्नमेंट कंपनीज. वेरी गुड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजिंग बिजनेस एंटरप्राइज है. ऑलराइट, थोड़ी सी मैं इंट्रोडक्शन इसकी ये भी देना चाहूंगी. जब हमें इंडिपेंडेंस मिली उसके बाद हमें ये डिसाइड करना था कि हम अपना इकोनॉमिक सिस्टम कौन सा रखें, कैपिटलिस्ट या सोशलिस्ट. तो हमारी जैसी कंट्री जिसमें कैपिटल थी नहीं, डेफिशिएंसी थी कैपिटल की, ठीक है, तो कैपिटलिज्म और मोर ओवर हमारी इकोनॉमी जो थी वो डिवास्टेटेड इकोनॉमी थी, उसको वो बैकवर्ड थी, स्टेगनेंट थी, तो स्टेगनेंसी से निकालने के लिए बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत थी जो कि कैपिटल प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी. तो इसीलिए जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने हमारी इकोनॉमी को ना तो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम दिया और ना ही पूरा सोशलिस्ट. We adopted mixed economic pattern where there is coexistence of both private as well as public sector. Lekin public sector would play dominant role. ठीक है, public sector का जो role था वो important था, primary role था, specially in the industrial development of the country. Can you tell me why public sector was assigned a primary role? Why not private sector? क्यों हमने कहा कि जो भी industrial development होगी उसमें main leading role जो है वो public sector का होगा, private sector का नहीं होगा? उसके पीछे दो तीन कारण थे. पहला कारण ये था that there was lack of private capital. Private sector के पास capital ही नहीं थी बेटे. इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए ना, किसी भी चीज को डेवलप करने के लिए उसका बेस बनाना जरूरी है. आपने बिल्डिंग उठानी है तो बिल्डिंग की फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है ना. अगर आप बिना फाउंडेशन के यहाँ पे दीवारें उठा लोगे वो टूट जाएंगी, जरा सी आंधी चलेगी वो दीवारें नीचे गिर जाएंगी. लेकिन आज आंधी चलती है दीवारें नहीं गिरती, क्यों? क्योंकि इनकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग है. ठीक है, तो इसी तरह इंडस्ट्रीज को डेवलप करना है तो उसकी फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. दैट इज देयर इज अ नीड टू डेवलप अ स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस. स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल बेस बनाने के लिए हमें हैवी गुड्स इंडस्ट्री के ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी था. हैवी गुड्स इंडस्ट्रीज जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, मशीनरी इंडस्ट्री, इन इंडस्ट्रीज के ऊपर इन्वेस्ट करना जरूरी था. ठीक है, अब इनके लिए ह्यूज इन्वेस्टमेंट की जरूरत है. क्या प्राइवेट लोगों के पास ह्यूज इन्वेस्टमेंट थी? नहीं थी. मास्क पहन लो बेटे, ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं थी. तो इसीलिए किसको इन्वेस्ट करना पड़ेगा? गवर्नमेंट को. सो पब्लिक सेक्टर हैड टू प्ले अ लीडिंग रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. पहला कारण क्या बना, ध्यान से सुनो, एमसीक्यू बन सकता है इससे. व्हाई पब्लिक सेक्टर हैड टू प्ले अ लीडिंग रोल? नंबर वन रीजन,
lack of private capital. Number two, there was lack of inducement to invest. Why would private sector invest? अगर private sector के पास पैसे हैं भी है, कुछ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट थे उस टाइम पे, टाटास, बिरलास, they had huge capital, they could invest in the industrial development of the economy. ठीक है, लेकिन private sector जब invest करता है, क्यों invest करता है? ताकि उसको return अच्छी मिले. अगर उसको अच्छी return नहीं मिलेगी तो would he be induced to invest? Would you be induced to invest? अगर आप, मैं कहती हूँ बेटे अच्छा पढ़ लो, आपको जॉब अच्छी मिलेगी, लेकिन अगर आपके आसपास ऐसी सिचुएशंस हैं कि टॉपर्स भी बिना जॉब के बैठे हुए हैं, तो आपको कोई इंड्यूसमेंट नहीं मिलेगी पढ़ने की, है ना? तो एक इंड्यूसमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी था. लेकिन उस टाइम पे जो इंडस्ट्रीज थी वो इतनी रिटर्न नहीं दे पा रही थी. जो लार्ज इंडस्ट्री होती है उसमें रिटर्न आती तो है, लेकिन काफी सालों के बाद आनी शुरू होती है, यानी इन इंडस्ट्रीज का जेस्टेशन लैग बहुत बड़ा होता है. जेस्टेशन लैग का मतलब होता है टाइम गैप बिटवीन द टाइम ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट. जैसे आज आपने आम का पेड़ लगाया, गुठली लगाई एक, ठीक है, आम का पेड़ लगाया आपने, वो फल क्या अगले साल से देना शुरू कर देगा? वो 8 साल बाद फल देगा, यानी आपको उससे रिटर्न जो है 8 साल बाद मिलेगी. उस टाइम पीरियड तक, 8 सालों तक आपको उसको नर्चर करना पड़ेगा, आपको पानी देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, खाद देनी पड़ेगी, है ना? लेकिन रिटर्न मिल रही है? नहीं मिल रही. रिटर्न कब मिलेगी? रिटर्न यू विल गेट आफ्टर 8 years और सो. ठीक है, तो उस टाइम पे देर वॉज नो लैक, देर वॉज लैक ऑफ इंड्यूसमेंट टू इन्वेस्ट, क्योंकि उनको पता चल गया कि आज हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, रिटर्न आएगी कितने सालों के बाद, तो वाई वुड दे ब्लॉक देयर मनी. ठीक है, तो गवर्नमेंट रियलाइज्ड दिस थिंग कि कोई इंड्यूसमेंट नहीं है इन्वेस्ट करने की, इसीलिए प्राइवेट सेक्टर के ऊपर अगर हम छोड़ देंगे इंडस्ट्री की डेवलपमेंट, वो कभी भी डेवलप नहीं हो पाएगी. ठीक है, तीसरा कारण ये था, हमारी गवर्नमेंट सोशलिस्टिक पैटर्न चाहती थी. सोशलिस्टिक पैटर्न वो होता है जिसमें लोगों का वेलफेयर माइंड में रखा जाता है. कोई भी इकोनॉमिक डिसीजन लेने से पहले वी कीप इन माइंड वेलफेयर ऑफ द पीपल. लेकिन अगर प्राइवेट सेक्टर के हाथों में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दे देते तो क्या होता? सोशल वेलफेयर हो पाता? नहीं. प्राइवेट सेक्टर तो प्रॉफिट मोटिवेटेड होता है. बेटे ये 2-3 बातें हमेशा ध्यान में रखना. प्राइवेट सेक्टर डिसीजन लेता है कीपिंग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव इन माइंड. गवर्नमेंट सेक्टर डिसीजन लेता है कीपिंग सोशल वेलफेयर इन माइंड. ठीक है, सो दैट्स व्हाई यू नो पब्लिक सेक्टर हैड टू प्ले एन इंपॉर्टेंट लीडिंग रोल इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, तो 3 तरह के एंटरप्राइजेस पब्लिक सेक्टर में सेटअप किए गए. पहला डिपार्टमेंटल, दूसरा स्टेचुटरी, एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट वन विच इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग. What is departmental undertaking? Departmental undertakings or enterprises are established as a part of, a part or extension of ministry itself. जो ministry होती है, ministry के departments होते हैं, ठीक है? तो ये enterprises जो हैं, इनको एक ministry का एक department इनके लिए create कर किया जाता है. They are run through that department of ministry. Clear? Like railway. Railway की एक department है. There is one department of railway in our government. Railway ministry है या नहीं है? जिस तरह से बेटे commerce ministry है, defense ministry है, home ministry है, उसी तरह से railway ministry है. Railway ministry क्या करती है? It runs the railways of India. ठीक है, तो इसका मतलब ये जो रेलवे एंटरप्राइज है इंडिया का, इट इज एस्टेब्लिश्ड एज ए पार्ट और एज एन एक्सटेंशन ऑफ मिनिस्ट्री इटसेल्फ. दीज आर द इंटेग्रल पार्ट ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट. ये जो एंटरप्राइजेस हैं, ये गवर्नमेंट की फंक्शनिंग का ही पार्ट है. मतलब हाउ वेल द गवर्नमेंट इज फंक्शनिंग इन अ
कंट्री, वो हम इन डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स की फंक्शनिंग से पता कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ कहाँ सूटेबल है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, जहां पर कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड, इससे भी एमसीक्यू बनता है हमारा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग इज सूटेबल या इज नॉट सूटेबल। इज सूटेबल पूछा है तो तीन नॉन सूटेबल डालेगा, एक सूटेबल डालेगा। इज नॉट सूटेबल डाला है तो एक सूटेबल, तीन नॉन सूटेबल, या वाइस वर्सा। ठीक है, ऑल राइट। सो कहां कहां ये सूटेबल है? नंबर वन, वेयर देयर इज वेयर द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट इज नेसेसरी, जैसे कि पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं, पानी बिजली ये सब पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज हैं। टेलीकम्युनिकेशन एक टाइम पे मानी जाती थी यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नाउ तो प्राइवेटाइजेशन इज बीइंग डन इन टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर। ब्रॉडकास्टिंग, और वी कैन से डिफेंस, जहां पे गवर्नमेंट का कंट्रोल सबसे ज्यादा जरूरी है। नंबर टू, वेयर अटमोस्ट सीक्रेसी इज रिक्वायर्ड, ऐसे एंटरप्राइजेस जो जहां पर सीक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है, यानी अगर हमने ये किसी और प्राइवेट सेक्टर को दे दिए तो हमारे टॉप सीक्रेट्स लीक हो सकते हैं। ऐसा कौन सा एंटरप्राइज है जिसमें सीक्रेसी बहुत ज्यादा जरूरी है? डिफेंस, एटॉमिक एनर्जी, ठीक है, ये वाले डिपार्टमेंट्स। देन वेयर हैवी इन्वेस्टमेंट इज इन्वॉल्व, ऐसे एंटरप्राइजेस जहां पर हैवी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, रेलवे, एयरक्राफ्ट, शिप बिल्डिंग, आयरन एंड स्टील। देन वेयर द अंडरटेकिंग इज टू बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू, हम चाहते हैं कि ये अंडरटेकिंग से हमें इतना रेवेन्यू आ सके, ठीक है, कि आगे हम लोगों के जितना भी गवर्नमेंट का, देखो रेवेन्यू गवर्नमेंट का खर्चा होता है, गवर्नमेंट कहाँ से खर्चा करेगी? वो खर्चा करने के लिए गवर्नमेंट के पास इनकम होनी चाहिए। आपके हिसाब से टैक्स इज दी ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है बेटे, गवर्नमेंट हैज अदर सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से गवर्नमेंट को जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के रेवेन्यू का एक सोर्स है, ठीक है। तो उन एंटरप्राइजेस को गवर्नमेंट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग में क्रिएट कर सकती है जहां से वो चाहती है रेवेन्यू अर्न करना, ठीक है, गॉट इट। देन वेयर द इकोनॉमिक कंट्रोल इज एसेंशियल, ओके। देन नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग का फंडिंग है, जो आपको पता होना चाहिए। क्या फीचर है फंड से रिलेटेड इसका? फंड्स कहां से आते हैं डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के? गवर्नमेंट कहां से देती है? अपनी ट्रेजरी में से। फंड्स कम फ्रॉम गवर्नमेंट्स ट्रेजरी, यानी जब भी गवर्नमेंट अपना बजट बनाती है ना, तो उस बजट में रेलवे को कितना गवर्नमेंट ने फंड्स एलोकेट करना है वो मेंशन्ड होता है। इसका मतलब रेलवे को कोई स्ट्रेस नहीं है अपने रेवेन्यू जनरेट करने का, रेवेन्यू कहां से आना है, सॉरी फंड्स जनरेट करने का, फंड्स कहां से आने हैं? गवर्नमेंट के बजट से आने। अगर रेलवे मिनिस्टर सोच रहा है कि भी हमने बुलेट ट्रेन चलानी है, हमने एक शताब्दी और बनानी है, हमने शताब्दी को रेनोवेट करना है ना, ये सारी चीजों के लिए उसको फंड्स की जरूरत है, तो वो किसको कन्वे कर देगा? फाइनेंस मिनिस्टर को। फाइनेंस मिनिस्टर जब बजट बनाएगा तो 2000 करोड़ रुपए रेलवे को दे दिए, ठीक है। अब अगर फंड्स आते रेलवे से है तो रेलवे जो प्रॉफिट अर्न करता है वो कहां जाने चाहिए? वो भी गवर्नमेंट के बजट में जाने चाहिए, ट्रेजरी में जाने चाहिए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो गवर्नमेंट इनकम, गवर्नमेंट के एंटरप्राइजेस की जो इनकम होती है उसको हम इनकम या प्रॉफिट नहीं कहते, सरप्लस वर्ड कहते हैं। क्या यूज करते हैं? सरप्लस, बिकॉज बेसिकली दीज एंटरप्राइजेस आर नॉट मेंट फॉर प्रॉफिट मेकिंग, बट इवन इफ देयर रेवेन्यू एक्सीड्स देयर एक्सपेंडिचर वी गिव द टर्म सरप्लस टू इट, ठीक है, ऑल राइट। देन
इन एंटरप्राइजेस के ऊपर सेम ऑडिटिंग और अकाउंटिंग कंट्रोल्स होते हैं जो कि अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज के ऊपर लागू होते हैं। गवर्नमेंट की जितनी भी एक्टिविटीज हैं बेटे, दे आर अंडर द ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट, उनके ऊपर कुछ अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल्स होते हैं, यानी उनकी अकाउंट्स की वेरिफिकेशन होती है। तो रेलवे की या सॉरी डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के ऊपर भी सेम अकाउंटिंग और ऑडिट कंट्रोल एप्लीकेबल होते हैं। क्लियर? ओके। थर्ड, जो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के इंप्लॉइज हैं उनकी रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट समझते हो, भर्ती कैसे की जाती है, अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है, जस्ट लाइक एनी अदर गवर्नमेंट एक्टिविटीज। जिस तरह से बाकी गवर्नमेंट इंप्लॉइज की रिक्रूटमेंट होती है, उनकी सैलरी होती है, उनको बेनिफिट्स मिलते हैं, उसी तरह से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के इंप्लॉइज को भी बेनिफिट्स मिलते हैं और उसी तरह से उनकी रिक्रूटमेंट होती है। ठीक है? देन दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री, दिस इज क्लियर। देन दीज आर फुली अकाउंटेबल टू द कंसर्न्ड मिनिस्ट्री सिंस देयर मैनेजमेंट इज डायरेक्टली अंडर कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। एक ही एग्जाम्पल मैं ले रही हूं हर बारी, रेलवे। रेलवे किसके अंडर आती है? रेलवे मिनिस्ट्री के अंडर। तो रेलवे इज अकाउंटेबल टू रेलवे मिनिस्ट्री। ठीक है? रेलवे अपनी फंक्शनिंग के लिए किसको अकाउंटेबल है? रेलवे मिनिस्ट्री को अकाउंटेबल है। देन अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फीचर, दीज आर नॉट एस्टेब्लिश्ड एज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, दीज आर अ पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। तो इनकी कोई अपनी सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है विच इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, दे आर कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। इसके अलावा कौन कौन से और एंटरप्राइजेस हैं हमारे गवर्नमेंट के? स्टेट्यूटरी कॉर्पोरेशंस एंड गवर्नमेंट कंपनीज, उन दोनों की सेपरेट लीगल एंटिटी है अपार्ट फ्रॉम गवर्नमेंट, बट डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग डज नॉट हैव एनी सेपरेट लीगल एंटिटी। क्वेश्चन आ सकता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटरप्राइज ऑफ द गवर्नमेंट आर कंसिडर्ड एज ए पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एंड डू नॉट हैव अ सेपरेट लीगल एंटिटी? स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन, नो। गवर्नमेंट कंपनी, नो। ओनली डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। ठीक है? ऑल राइट। मेरिट्स बेटे, इफेक्टिव कंट्रोल हो सकता है क्योंकि इसका कंट्रोल जो है डायरेक्ट है, सेंट्रलाइज्ड है। These undertakings facilitate the parliament to exercise effective control over the operations. Parliament जो है वो इन enterprises को effectively control कर सकती है। These are directly under the control of parliament. ठीक है? Then high degree of public accountability. अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग समझते हो? दे आर अकाउंटेबल, आंसरेबल। तो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, तीनों एंटरप्राइजेस में से डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स आर हाईली अकाउंटेबल। जो भी वो काम करते हैं उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं। अच्छा, आपने कभी सुना कि ये रेलवे का बहुत बड़ा एक एक्सीडेंट हो गया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए रेलवे मिनिस्टर ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया? हैव यू एवर हर्ड ऑफ सच काइंड ऑफ न्यूज? होता है ऐसे? ऐसा क्यों? By tendering his resignation, railway minister is showing his accountability. कि भाई मैं मिनिस्टर था, मेरी टेन्योर में ये एक्सीडेंट हुआ है, मैं इसका जवाब दे रही हूं, I am answerable. ठीक है? So such enterprises are, they enjoy high degree of public accountability. Then source of income for the government है, merit है। गवर्नमेंट को अपने खर्चे चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, रेवेन्यू की जरूरत है। एक सोर्स रेवेन्यू क्या है? टैक्स। टैक्स से आता है गवर्नमेंट के पास पैसा, और गवर्नमेंट के पास ये डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग से भी पैसा आता है। सो इट्स अ सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट, ये इसका मेरिट है। देन जहां पर नेशनल सिक्योरिटी की बात आ जाती है और कोई एंटरप्राइज सूटेबल नहीं है, वेयर नेशनल सिक्योरिटी इज कंसर्न्ड, विच अंडरटेकिंग इज
एप्रोप्रिएट. वाई? बिकॉज दीज आर अंडर दीज आर दी पार्ट ऑफ मिनिस्ट्री. ये मिनिस्ट्री का हिस्सा है. ठीक है. ऑल राइट. फिर लिमिटेशंस बेटे. दीज एंटरप्राइजेस फेल टू टेक प्रॉम्प्ट डिसीजंस. इमीडिएटली ये डिसीजंस नहीं ले सकते. क्यों? क्योंकि इनको अपनी कंसर्न्ड मिनिस्ट्री से अप्रूवल लेना पड़ता है जिसमें टाइम लग जाता है. ठीक है. देन दीज आर अंडर द स्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री कंट्रोल. तो इसीलिए मिनिस्टर से बहुत ज्यादा इंटरफेरेंस इनको टॉलरेट करनी पड़ती है. तो इसका मतलब इनमें ना तो ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी है ना ऑपरेशनल फ्रीडम है. दीज डू नॉट एंजॉय ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी. ऑपरेशनल मीन्स काम करने की. ना तो इनमें काम करने की फ्लेक्सिबिलिटी है और ना ही काम डिसीजन लेने की फ्रीडम है इनके पास. ठीक है. देन देयर इज अ रेड टेपिज्म. ऐसी एंटरप्राइजेस में रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा है. डू यू नो व्हाट इज रेड टेपिज्म? मैंने पहले भी बताया हुआ है बेटे. रेड टेपिज्म लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज. बहुत ज्यादा यू नो जब लेवल्स होते हैं अप्रूवल के लिए. अब रेड टेपिज्म वर्ड कहाँ से बना है? जब आप एक फाइल लेके जाते हो एक प्यून के पास लेके गए आपने कोई अपना प्रोजेक्ट अप्रूव करना है सबसे पहले बाहर ऑफिस के कौन बैठा है? प्यून बैठा है. ठीक है. प्यून आपकी फाइल्स रख के अब किसकी फाइल प्यून भेजेगा? हर एक को जल्दी होती थी कि मेरी फाइल पहले चली जाए. ठीक है. तो लोगों ने ब्राइब देनी शुरू कर दी. करप्शन जिससे शुरू हुई. चलो वो भी बात छोड़ दो. ब्राइब की बात छोड़ देते हैं हम. जिसकी फाइल आगे जानी उस पर एक रेड टेप लग जाती है. रेड टेप मतलब सेग्रीगेट करने के लिए कि ये फाइल्स आगे जाएंगी ये नहीं जाएंगी. जो आगे चलेगी नेक्स्ट लेवल पे गई वहां पर जब जितनी फाइल्स उसने देख ली अप्रूव होगी उसके ऊपर रेड टेप लगी. फिर वो और आगे जाएगी फिर वहां पे भी आगे रेड टेप लगेगी उस पर. ठीक है. तो मतलब जितने लेवल्स वो क्रॉस करेगी उतना डिले होता जाएगा. इसको कहते हैं रेड टेपिज्म. एक वर्ड बन गया रेड टेपिज्म. लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व. मतलब प्रोजेक्ट को अप्रूव करने में बहुत ज्यादा लेवल्स आते हैं. दैट्स व्हाई इट टेक्स लॉट्स ऑफ टाइम. सो ये एक डीमेरिट है. रेड टेपिज्म वर्ड पॉजिटिव नहीं नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है. देयर इज अ लॉट ऑफ रेड टेपिज्म दैट इज लॉट ऑफ फॉर्मेलिटीज आर इन्वॉल्व इन अप्रूविंग द प्रोजेक्ट्स. ठीक है. ओके. देन देयर इज अ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन सच काइंड ऑफ एंटरप्राइजेस. क्लियर. This was all about departmental undertaking. Now coming to the another type of public sector enterprise, which is statutory corporation, also known as public corporations. So, beta, statutory corporations, these are those undertakings which are brought into existence by passing a special act in the parliament. अगर आपको government को realize हुआ कि भी हमें एक ऐसा एंटरप्राइज खोलना है जो कि लोगों की इंश्योरेंस कर सके, है ना, लोगों का रिस्क जो है, जो रिस्क की हिंड्रेंस है उसको रिमूव कर सके. तो गवर्नमेंट ने LIC सोचा हम बनाते एक कॉरपोरेशन बनाते बाय द नेम ऑफ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन. बट इट कैन नॉट कम इन टू एग्जिस्टेंस जस्ट लाइक दैट. अ स्पेशल एक्ट हैड टू बी पास्ड इन द पार्लियामेंट फॉर सेटिंग अप LIC. सो ऐसा एंटरप्राइज जिसके लिए पार्लियामेंट में एक स्पेशल एक्ट पास करना पड़ता है ऐसे एंटरप्राइज को कहा जाता है स्टेचुटरी कॉरपोरेशन. ठीक है. अब ये एक्ट में क्या होगा? एक्ट वुड कंटेन व्हाट? बताओ. पावर्स, फंक्शंस. मतलब LIC के पास क्या क्या पावर होंगी, इसके क्या क्या फंक्शंस होंगे और क्या रूल्स होंगे इसके, क्या रेगुलेशंस होंगी, कैसे इसके इम्प्लॉयज को अपॉइंट करना है, कितनी उनको सैलरी देनी है और सारी मतलब एक्टिविटीज के बारे में एक्ट में डिस्कस किया जाएगा. तो कल को जब ये एग्जिस्टेंस में आएगी इट हैज टू एक्ट विद इन दैट एक्ट. पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ दैट एक्ट. इट कैनॉट परफॉर्म एनी एक्ट विच इज बियॉन्ड दिस एक्ट. जैसे एक नॉर्मल कंपनी खुलती है
वो अपना एमओए बनाती है, एमओए में जितने एक्ट्स मेंशन है उसके बियॉन्ड वो कोई एक्ट नहीं कर सकती। इसी तरह जो भी कॉरपोरेशन एक स्पेशल एक्ट से पास क्रिएट की जाती है, ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी हो गई ना, तभी इसको स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन कहा गया है। स्टैट्यूटरी का मतलब होता है लीगल, इट हैज कम इन टू एग्जिस्टेंस थ्रू लॉ बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट इन द पार्लियामेंट। ठीक है, तो बेटे स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन की एग्जाम्पल्स आपको पता होनी चाहिए, वो भी एमसीक्यू में आ सकती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन? ठीक है, एयर इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, LIC मैंने बता दिया, UTI यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये सब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं। IDBI इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, RBI पता है, RBI दैट इज ऑल्सो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन, ONGC सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉरपोरेशन, ये सारी जो हैं स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस हैं। इनके नाम का एक अलग एक्ट है, हाँ जी, स्टैट्यूटरी ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन। ठीक है, सो इनकी सूटेबिलिटी, वेयर आर दीज एंटरप्राइजेस सूटेबल? नंबर वन, व्हेन लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इज रिक्वायर्ड, देन व्हेन द एंटरप्राइज हैज टू बी रन ऑन बिजनेस लाइंस, बिजनेस लाइंस पे रन करना है, मतलब प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं। ये नहीं कि यहाँ पे पर्पस गवर्नमेंट का सिर्फ सोशल वेलफेयर है, यहाँ पे गवर्नमेंट बिजनेस भी कर सकती है, यानी प्रॉफिट भी अर्न कर सकती है। देन पब्लिक का इंटरेस्ट माइंड में रखना पड़ेगा हमें, उन एंटरप्राइजेस के लिए स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशंस सूटेबल है। तो स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के फीचर्स, दीज आर रन बाय पासिंग अ स्पेशल एक्ट, ये पहला फीचर। देन इट इज होली ओन्ड बाय द स्टेट, स्टेट मीन्स गवर्नमेंट, इट इज होली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, यहाँ पे प्राइवेट ओनरशिप बिल्कुल भी नहीं है। देन इट हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, इसकी जो एंटिटी है वो डिफरेंट है, अपार्ट, इट्स सेपरेट, डिफरेंट, डिस्टिंक्ट अपार्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। इसका मेंबर कौन है? गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट और LIC की एंटिटी अलग अलग है। फिर इसके हर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के अपने रूल्स होते हैं रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, अपॉइंटमेंट ऑफ द एम्प्लॉइज, प्रमोशन ऑफ द एम्प्लॉइज, और ये कहां मेंशन होते हैं? उनके स्पेसिफिक एक्ट में मेंशन होते हैं। देन इट इज मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो इनको कंट्रोल करते हैं। ध्यान रखना, डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग को कौन कंट्रोल करता है? कंसर्न्ड मिनिस्ट्री। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन को कौन कंट्रोल करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट। इसको कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट करती है, लेकिन गवर्नमेंट फिर उनकी फंक्शनिंग में इंटरफेयर नहीं करती। डिपार्टमेंटल में इंटरफेरेंस है गवर्नमेंट की, पार्लियामेंट धज्जे उड़ा सकती है रेलवे मिनिस्ट्री के अपने सेशन में, लेकिन LIC के नहीं। समझ में आया? LIC को कौन रन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को कौन नॉमिनेट करता है? गवर्नमेंट। बट वंस गवर्नमेंट हैज नॉमिनेटेड, गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर इन द फंक्शनिंग ऑफ LIC। ठीक है, देन इसका अपना इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है, ये अपने फंड्स खुद अरेंज करती है, इसके पास फाइनेंशियल अटोनमी है। हाँ, चाहे तो गवर्नमेंट से बोरोइंग ले सकती है, ये अपने फंड्स खुद अरेंज करती है। अब LIC है, LIC क्या करती है? आपको पॉलिसीज बेचती है, उसके बदले आपसे क्या लेती है? प्रीमियम। तो हो सकता है ये प्रॉफिट में जाती है, तो अपने प्रॉफिट में से ये अपना आपको एक्सपेंड करना चाहती है, तो फंड्स अपने प्रॉफिट में से ले सकती है। ठीक है, वन सोर्स फ्रॉम इट्स ओन फंड्स, दूसरा फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कैसे करेगी फंड्स? गवर्नमेंट को बोलोगी अपने बजट में से मुझे इतने पैसे दे दो? नहीं, गवर्नमेंट से बोरोइंग्स लेगी, जो कि इसने कल को गवर्नमेंट को वापस करनी है। तीसरा,
ये कैपिटल मार्केट से भी फंड्स अरेंज कर सकती है। कैपिटल मार्केट होती है जिसमें हम लॉन्ग टर्म फंड्स ले सकते हैं, जैसे बैंक्स वगैरह से। रेस्ट वी विल डू टुमारो।